शब बारात आने वाली है। इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हमारे आमाल नामे पेश किए जाते हैं, इसलिए इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शब बारात में कौन सी इबादत करें, कौन सी दुआ मांगें, कौन सा अमल करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस रात में आप जितना हो सके अस्तग़फ़ार करें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वातूबु इलैही, जितना हो सके इसको आप कसरत से करते रहें और अस्तग़फ़ार का विर्द करते रहें कसरत से, और अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते रहें। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। हम बंदों को, हम गुनाहगारों को, आप लोगों को एक वजीफा और बता दूं, जो इंसान शब बारात की रात को या रब बना, या रब बना, या रब बना, इसको 100 मरतबा अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ता है, वो अल्लाह तबारक व ताला से जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी हर जायज़ दुआ को पूरा करते हैं और हर गुनाहों को माफ़ कर देते हैं।